भाई कमला भाई, मेरी बहू को देखा क्या? अजी अब आओ ना अंदर और देखो है क्या। अरे 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 पारू भाई, रखमा भाई, अरे तुम जैसी बड़ी बूढ़ी औरतें यहाँ पर हैं? अरे लड़कियों ने अपनी अकल गिरवी रखी तो रखी, पर तुम्हें भी कुछ समझता है कि नहीं? अब आप हमें भी कोसने लगी क्या? अरे क्या हुआ ये तो बताओ ना। अरे मेरी बहू को देखा क्या तुमने? अरे देखो ना अंदर, होगी यही, कहाँ भाग जाएगी? हाँ? अरे सब घर दर वैसे ही छोड़ के तू यहाँ पर आके बैठी है, क्या बोलेंगे तेरे इस बर्ताव को? घर का सब काम करके आई हूँ माँ जी। हाँ ऊपर से जबान लड़ाती है, शर्म नहीं आती तुझे? बड़ों का जरा भी लिहाज नहीं है? अरे क्यों इतना गुस्सा निकाल रहे हो बेचारी पर? वहाँ महिला मंडल का कितना बड़ा कार्यक्रम था, उसमें शामिल हुई तो क्या बुरा हुआ? घर का खाके दूसरों का काम क्यों करना, किसने कहा था? अरे ऐसा कैसा कहती हो, स्कूल में जाके जो सीखने को मिलता है वो इस डॉक्टर ने सिखाया यहाँ। अरे गरीब को ही फायदा होगा इसका, अपनी स्वच्छता, अपनी तबीयत और तो और खाना पीना कैसा होना चाहिए, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यही तो सिखाया। अरे पूरे जिंदगी में जो नहीं समझेगा वो एक दिन में समझा, अपना घर, अपना पूरा घर सुखी कैसे होगा, निरोगी कैसे होगा, ये पढ़ाने का कार्यक्रम था। देखो तुम सब जन मुझ पर दबाव डालने की कोशिश मत करो, हाँ नहीं तो गांव की सारी सासों को इकट्ठा करूंगी। करो करो, मैं भी एक दिन सास बनूंगी। क्या रे, मैं तेरा वहां इंतजार कर रही थी, तू क्यों नहीं आया? किसे खत लिख रहा है? भाभी का खत आया था, जवाब में लिख रहा हूँ। भाभी का खत कब आ रहा है दत्ता दा? वो नहीं आ रहा है। क्यों? उसके मिल में हड़ताल हुई है ना। तो फिर वहाँ बैठ के क्या कर रहा है वो, गांव नहीं आना है? भाभी ने भी उसे यही कहा था। फिर? पर उसका कहना है कि हड़ताल कभी भी पीछे लेंगे, इसलिए उसे वहीं पर रहना पड़ेगा। अरे पर घर में बैठ के कैसे चलेगा, वहाँ तो शहर में बहुत खर्चा होता है। वहाँ कहीं काम तो मिला है ना? पर मिल शुरू हो जाएगी ना? मुश्किल लगता है, मालिक भी जमीन बेचने लगे हैं। अरे तो उसे यहाँ पोल्ट्री फार्म वगैरह चालू करने को बोल, आजकल पोल्ट्री को सरकारी अनुदान भी मिलता है। नंदा शहर की जिंदगी जीने वाला आदमी गांव में आना पसंद नहीं करता, जरूरत पड़ने पर हमाली करेगा, मजदूरी करेगा, पर गांव में आके खेती करना उसे अच्छा नहीं लगता। पर आजकल गांव की हालत में भी सुधार हो रहा है, पोल्ट्री फलबाग ऐसे कारोबार किए तो शहर जैसा सुधार गांव में भी ला सकते हैं। हम गांव में रहते हैं ना इसलिए हमें ये सुधार लगता है, पर ये दादा को कौन बताएगा, वो तो यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं है। तू ऐसा कर, तू अब शहर जाके उसे यहाँ लेके आ। अच्छा चल, लोग भी आए होंगे, देखेंगे क्या करना है वो। चल एकदम गलत है तुम्हारा। नहीं, अरे ये क्या ऐसा क्या होता है क्या? अरे वाह, ये जरा भी नहीं चलेगा, जरा भी नहीं चलेगा। ओ गुरुजी, नहीं नहीं गुरुजी, ये नहीं चलेगा, ये गलत है, ये नहीं तो गलत है, हमको मंजूर नहीं है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए लोगो, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे पर ऐसा कैसा है, ये खेल तुम्हें शांति से देखना है, ये खेल ही ऐसे किस्म का है, इन दोनों को इस खेल के नियम मंजूर है इसलिए इन्होंने इस खेल में हिस्सा लेना मंजूर किया है। आखिर निर्णय जाहिर होने के बाद आपके मन में कोई संदेह नहीं रहेगा। तो बबन और जगन शुरू। गुरुजी एक दो तीन बोलिए। एक दो और तीन। Yeah!
तो रुको भाई, रुको, शांत हो जाइए भाइयों, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बंधु, स्पर्धा की श्रृंखला अब यही खत्म हुई है, परिणाम आपके सामने ही है। ये जगन और बबन, इन दोनों की जिस्मानी ताकत एक समान होने के बावजूद भी सिर्फ विसंगत भार की वजह से एक आदमी अपनी जगह से आसानी से उठ गया, पर दूसरा आदमी अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। यही बात अपने देश और दूसरे देशों की है। साधन सामग्री, संपत्ति, बुद्धि, बल, इनमें से किसी बात की कमी न होते हुए भी अपने देश के विकास को पाबंदी होती है, क्योंकि अपने देश की स्थिति जगन जैसी है और बाकी देशों की स्थिति बबन जैसी है। सिर्फ विसंगत भार की वजह से देश की प्रगति को पाबंदी होती है। इसका एहसास आप सबको हो जाए, इसलिए ये खेल मैंने आपके सामने रखा था। लोगों, सिर्फ तालियां बजा के भूल जाने की ये बात नहीं है, बल्कि इस बात पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। मुझे लगता है अब आप में से किसी के मन में कोई संदेह नहीं होगा, और जो बात अपने देश की, वही अपने परिवार की। अगर विसंगत भार होना तो चाहे देश हो या परिवार, उनके विकास में पाबंदी आती है। नमस्कार लोगों, अपने बालक का पालन तो हर एक माता का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। इन बालकों के पालन के बारे में लोगों को सारी बातें समझा देने के लिए हमने एक स्पर्धा का आयोजन किया था। उस स्पर्धा में तकरारवाड़ी की रेखा दीदी सर्वप्रथम आई है। सादर करते हैं बच्चों का पालन करते उन्हें आए हुए उनके अनुभवों का और प्रयत्नों का प्रदर्शन। नमस्कार, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक रहे इसकी मैं हमेशा चिंता करती थी, मगर अपने गांव के नंदा दीदी, शंकर भैया, इन्होंने मुझे हमेशा मदद की। उनके कहने के अनुसार बच्चे को सब डोज सही वक्त दे दिया। कॉलरा, टाइफाइड, गोवर, पोलियो, ये न वो, सब डोज कागज पर लिखे वैसे सही वक्त पर दे दिए, टालम टाल नहीं की। मैंने बच्चे को मेरा ही दूध दिया, फिर पूरक आहार याने चावल का पानी, दाल का पानी, भाजी उबाल के सूप, महुआ का सत, गेहूं का सत, फल का घर, बच्चे को पचेगा वैसा थोड़ा थोड़ा देती रही। सीजन बदल जाने पर मैं हमेशा पानी उबाल के पिलाती थी। हाथ साफ धोए बिना पानी को और बच्चे को कभी हाथ नहीं लगाया। बच्चे का बदन अच्छी तरह से पोंछती, कपड़े साफ धोके एकदम कड़क धूप में सुखा देती थी। और पेपर में, मासिक में बहुत सारी जानकारी मिलती है, रेडियो पर, टीवी पर जितनी जानकारी मिलती उतनी मैं लिख लेती, बहुत फायदा होता है उसका। बीच बीच में बच्चे को डॉक्टर के पास ले आती हूँ। बच्चे की सेहत के साथ साथ माँ की सेहत भी महत्वपूर्ण है। सबसे खास बात यह है कि हमने हमारा परिवार मर्यादित रखा है। एक बच्चे का लालन पालन अगर ठीक तरह से हुआ तो वो 10 की बराबरी कर सकता है। परिवार अगर बड़ा है तो सब काम मुश्किल हो जाता है। और सबसे आखिर में, हमारे गांव में चल रहे साक्षरता प्रसार कार्यक्रम की वजह से मुझे ये सब ज्ञान हुआ। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। शंकर, आज इतनी दूर क्यों लाया मुझे? नंदा, ये पेड़, ये जगह याद है तुझे?
नहीं ना, बराबर है। तुझे याद नहीं तो दत्ता दादा को कैसे याद होगा? देख पहेली मत बुझा, सीधी तरह से बता। नंदा, दत्ता दादा जब आखिरी बार गांव में आया था तब हमने एक नाटक किया था, याद है? याद क्यों नहीं होगा? उसके वापस जाने के वक्त इसी पेड़ के नीचे हम तीनों ने मिलकर शपथ ली थी कि अपना गांव जब तक साक्षर नहीं होता तब तक चैन से नहीं जिएंगे। तो क्या हुआ, अपना काम तो चल रहा है। कर दत्ता दादा, वो तो शहर के चमक दमक देख के अपने गांव को भूल ही गया। उसके लिए तू क्यों नाराज हो रहा है? अपना कुछ बिगड़ गया उसके बिना? बिगड़ा नहीं, फिर भी बुरा तो लगेगा ही ना। जिस दादा के भरोसे पर ये साक्षरता का शिवधनुष उठाया था उसी ने ही गांव की तरफ पीठ कर दी। आज तक लगता था आज या कल दादा गांव में वापस आएगा, पर आज अम्मा और भाभी के खत से लगता है वो भी आशा मिट्टी में मिल गई हमारी। दादा ने अपने गांव के साथ अपना नाता ही तोड़ दिया। शंकर, अरे तू निराश होके कैसे चलेगा? अरे दादा नहीं है तो क्या हुआ, सारा गांव अपने काम में शामिल हुआ है। चुप बैठा, एक दिन दादा जरूर आएगा, हमने ली हुई शपथ जरूर पूरी होगी। माँ के खत से भेजे का तो खिमा ही बन गया है, पर बाकी सब ठीक है ना? अरे 3 महीने हुए मिलके हड़ताल को, पर दत्ता दादा आने को राजी नहीं है। अरे पर क्या उसका कहना क्या है? वो कहता है कि उसे बैठे बैठे सारी खबर वहीं पे मिलनी चाहिए। ऐसा क्या? पर मुझे ये नहीं समझता ये सब अचानक कैसे हुआ रे? अब उन मालिकों ने अगर तालाबंदी की है तो ये झगड़ा कैसे समाप्त होगा? हमारा दादा भी पागल है ना, वहाँ हमाली कर रहा है पर गाँव आने को राजी नहीं है, और वो आता नहीं इसलिए भाभी नहीं, और वो दोनों नहीं आ रहे इसलिए माँ भी नहीं आती, ऐसा कुछ झमेला हो गया है। अरे बाबा सब ठीक होगा। मुझे नहीं, क्यों चिंता करता है? मुझे नहीं लगता सब ठीक होगा। अरे मालिक जमीनें बेचने जा रहे हैं, उन्हें तो पैसा मिलेगा, पर फिर दत्ता दादा जैसे लोगों का क्या? अरे मगर सरकार करेगा ना कुछ ना कुछ। चाचा तुम एकदम भोले हो। अरे अब अगर वो पुरानी मशीनें नए मशीनों से स्पर्धा कर सकते हैं क्या? नहीं, तो नहीं, नहीं। उससे अच्छा ये है कि दत्ता दादा जैसे लोगों ने यहाँ गाँव में आकर अगर कुछ काम किया ना तो एकदम राजा की तरह राज करेंगे ना। अरे पर राजा सारे लड़के तेरे जैसे समझदार नहीं होते रे, अब हमारे उत्तम का ही देखना, उसे एक बार शहर का चस्का लग गया वो लग ही गया रे बाबा, उसकी आंखें अभी तक नहीं खुली। अरे अपनी खुद की जमीन खेती बाड़ी को छोड़ के हमाली करने में इन्हें क्या मजा आता है किसको पता? हाँ आप चाचा मुझे बताओ यहाँ क्या नहीं मिलता, बताओ ना गाँव में क्या नहीं मिलता? ये देखो रास्ता है, पानी है, सब तो है कि नहीं, टीवी है, फ्रिज है, और फिर क्या चाहिए बताओ ना। अरे बाबा लाख पते की बात की है तूने, पर मैं तुझे कहता हूँ देख अपना दत्ता वैसे समझदार आदमी है, अरे उसकी भी कुछ तकलीफें होगी ना, जरा गांव की चाह लगने दे उसे तो अपने आप दौड़ा चलाएगा, चल मेरे घोड़े खबड़क खबड़क कहते कहते। मैं कहता हूँ ना बिल्कुल चिंता मत कर। अच्छा चलता हूँ, आजा आजा। शंकर दादा, शंकर दादा, दादा क्या रे भीमा दादा? मैं तुझे ले जाने आया हूँ। कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, हरबा का ऑक्सीजन हुआ। ऑक्सीजन पे रखा है? हाँ। अरे क्या कह रहा है तू, इतना सीरियस है वो, कहाँ है, अस्पताल में रखा है क्या? नहीं नहीं, घर में ही है। फिर ऑक्सीजन है नहीं, पैर फिसल कर गया, गिर गया। अरे फिर एक्सीडेंट हुआ क्या ना? एक्सीडेंट हुआ वही। देखा ना भीमा दादा, अरे हमने कल ही कहा था कि गांव में कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता ही नहीं, कैसे आराम से चल रहा है सब, अब गर्मी है ना वो, तो चल उसे घर पे देखते हैं, चल चल चल। ओ माय, अरे धीरे से रे बाबा, धीरे से। अरे बाबा ए, अरे कुछ गुस्सा वगैरह होगा तो कुछ करो मत रे बाबा। अरे गुस्सा कैसा हुआ चाचा? नहीं उसका क्या है, तुम दोनों भी हमारे काम को पहले विरोध करते थे, तब मैंने कुछ कहा होगा तो मुझे माफ करवा बाबा। अरे चाचा जब कदम, अब हम आपके खिलाफ हैं क्या? देखो ना, और अगर ऐसा होता तो इतनी भागदौड़ करते क्या? अच्छा हुआ मंजुला चाची ने खिड़की से बाहर देखा, और उसी वक्त हम तालीम से आ रहे थे इसलिए अच्छा हुआ। तालीम से फिर सर्वश्रेष्ठ स्पर्धा में हमने हिस्सा लिया ना। अच्छा
कुछ काम हो तो हमें बताना। और पैर ठीक होने तक आराम करो, आते हैं हम। चले चलो। पैर ठीक होने तक? अरे अब तो तुम्हारी स्पर्धा देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा बाबा। ए बाबा रे, आप दोनों भी जीतेंगे, दोनों को भी मेरा आशीर्वाद है, दोनों भी जीतना। अरे दोनों एक साथ? कोई तो एक जीतेगा ना। क्यों, बराबर में कुश्ती नहीं छूटी क्या? आप देखने नहीं जाएंगे क्या? कहाँ जाने वाले हो? अब कैसे बचूंगा मैं इससे? ओ क्यों अरबा चाचा, कैसी है तुम्हारी तबीयत? ठीक है। पर क्यों अरबा चाचा, ये कैसे हुआ? अरे अंधेरे में फिसल के गिर गए, दूसरा कुछ नहीं। अरे पर मौसी मैं क्या कहता हूँ, अंधेरे में हड़बड़ा के जाने का ही क्यों? अरे पर संडास को भी अंधेरे में नहीं जाने का क्या? डॉक्टर को बुलाओ। तुम सब लोग बाजू हो जाओ, देखने तो मुझे क्या हुआ है। ए, तू नहीं, तू जरा भी हाथ मत लगा, नहीं नहीं पैर टूट जाएगा। ऐसा तेरा हाथ लगा तो टूटी हुई हड्डी भी जुड़ जाती है, ऐसा कौन कहता था? क्या तू जवान थी, तेरा हाथ एकदम नाजुक था। ऐसा तो अब देखती हूँ मैं किधर क्या लगा है वो, एकदम एक झटके में पैर ठीक करती हूँ कि नहीं। देखो क्या क्या पैर सीधा कर रही है। अब कैसे लगता है? अब स्वर्ग में गया हूँ ऐसा लगता है। तो बैठो होते हुए। अरे मेरा कहना वो नहीं था, अरे स्वर्ग की अप्सरा पैर दबा रही है ऐसा लगता है, ऐसा मुझे कहना था। अच्छा अरबा चाचा, तुम ऐसा करो, तुम थोड़ा आराम करो। नहीं पर जरा आराम करो ना, डॉक्टर आते होंगे अभी अभी। बुलाओ डॉक्टर। किस लिए वो डॉक्टर? अपने आप ठीक हो जाएंगे। अरे जरा सा कुछ लगा ना तो पूरा घर सर पे लेने की आदत है इनकी। चाचा गांव में संगठन होगा तो एक लड़का हो और वो भी साथ में हो तो भी चल सकता है। हाँ पर अगर गाँव में लड़ाई झगड़े होंगे तो फिर 5-10 लड़के भी कम होते हैं। सच है बाबा तेरा, सारा गांव एक होना चाहिए और हर घर में एक ही बच्चा होना चाहिए, फिर देखो पूरा गांव कैसे जल्दी सुधरता है। देखा बच्चे कैसे काम कर रहे। सच है तेरा कहना, सोचा था अब कैसा होगा मेरा, अरे एक लड़का और वो भी शहर में। अरे सारा गांव यानी कि एक घर ही है, सारे गांव की एकता का परिणाम है ये सब। इतना उदास क्यों हुआ है? ये भी तुझे मैं ही बताऊं, करने वाला करवाने वाला तू ही तो है ना। अच्छा लेकिन मैंने ऐसा क्या किया कि जिस वजह से तू ऐसा बैठा है? बचपन में तू रूठा था तो अपना क्या तय हुआ था? दत्ता दादा, मैं, नंदा, हम तीनों मिलकर पूरा गांव साक्षर करेंगे ऐसा वादा किया था, पर दत्ता दादा बीच में सब हम पर छोड़कर चला गया। अब गांव वाले हमारी मदद करने लगे हैं तो तू उनके हाथ पैर तोड़ने लगा। अरे फिर हम करेंगे तो क्या? पागल है रे तू। अरे तेरा दत्ता दादा बीच में ही छोड़ के गया, उसे मैं जिम्मेदार कैसे? और उस हरबा की भूल से जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मुझ पर, ये ठीक नहीं है। दत्ता दादा के मन में अगर शहर गांव का आकर्षण पैदा हुआ नहीं होता तो फिर वो जाता ही क्यों? यही तुम लोगों की गलती है, सब मुझ पर सौंप देते हो। जिनके भाग्य में अक्षर सेवा का पुण्य ही नहीं तो कौन क्या करेगा? उसकी बुद्धि ही भौतिक सुख की चहेती है, वो कम होने पर उसे उसकी गलतियों का एहसास होगा ही, लोगों को नहीं हुआ? धीरे धीरे हो गया ना, ये तो कबूल करता है ना। चल तो फिर मैं तुझे दिए हुए वचन से मुक्त हो गया हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मत समझना। अरे तेरी कोशिशों से लोग साक्षरता की तरफ आकर्षित हुए हैं, ये सच है, पर उन्हें हमेशा उसके लिए प्रयत्न करने की प्रेरणा कौन देगा? तू ही ना। साक्षरता में निरंतरता होना जरूरी है। अब ये और क्या नया, मैंने उन्हें एक बात के लिए राजी किया ना,
अब उन्हें खुद को सोचना नहीं चाहिए। हाँ, पर इस काम के लिए तेरे जैसे पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत होगी। ये ध्यान में रख कि अब तूने जो काम हाथ में लिया है उसका कोई अंत नहीं। अब तू ही करना नहीं चाहता तो नहीं 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 भगवान, मेरा ऐसा कुछ भी कहना नहीं। अपने गांव का विकास करते करते मुझे भी जिंदगी में कई सबक सीखने को मिले हैं, मेरा भी विकास हुआ है ना। अरे अभी तो तेरी सच्ची जरूरत है उन्हें। तेरे अच्छे कामों से लोग तुझ पर भरोसा करने लगे हैं। अब उन्हें इकट्ठा कर और उनके मन की शंकाओं का समाधान कर दे। लड़का लड़की में भेदभाव न करते, लड़कियों में आत्मविश्वास जगाने के लिए उनमें आकांक्षा की जागृति कर। नंदा भी तेरे साथ है, जो काम तेरे सामने है उसके बारे में सोच, जो नहीं उसकी चिंता मत कर। हाँ हाँ, तेरा कहना सच है भगवान। मैं कभी कभी बिना वजह निराश हो जाता हूँ। अब तक का सफर तेरी कृपा से हो गया है तो अब मुझे डर कैसा? दत्ता दादा हो या ना हो, डरना क्या? तेरा आशीर्वाद है मुझे, इतना ही मुझे काफी है। समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए कष्ट उठाने वालों को मुझसे आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता, वो हमेशा उन्हें मिलता है। शुभस्ते पंथान।